हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऐश्वर्या। हम हैं अयोध्या में और हम जा रहे हैं सरयू नदी। अयोध्या राम जी का जहां जन्म हुआ था और जहां राम जी ने अपनी समाधि ले ली थी, वो है अयोध्या। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, हम चल रहे हैं। सरयू नदी, देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं तो ये शंकरासुर दैत्य जो थे, उन्होंने वेद चुराकर समुद्र में डाल दिया था, ठीक है। फिर उस समुद्र से वेद निकालने के लिए विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था और उन्होंने वहां से वेद निकालकर ब्रह्म जी को वापस रिटर्न कर दिया। अब विष्णु जी इतने खुश हो गए कि उनके आँखों में से आंसू निकल गया, जिसे प्रेम आंसू बोला जाता है। और उस नदी प्रकट हुई है ऐसा माना जाता है पुराने वेदों में। इस सरयू नदी का वर्णन आपको वामन पुराण में 13 जो अध्याय है उसमें मिलेगा, ब्रह्म पुराण में 19वें अध्याय में मिलेगा, वायु पुराण में आपको 45 अध्याय में मिलेगा और वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे उसमें 24th जो स्वर्ग है उसमें मिलेगा। सरयू नदी के साथ साथ और भी नदियों का, जैसे गंगा, यमुना, गोमती और शारदा, और भी नदियों का यहाँ पे किया गया है वर्णन। तुलसीदास जी ने कहा था कि हिमालय पर्वत पे कैलाश है और कैलाश से सरयू नदी प्रकट हुई है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। और ये सरयू नदी अयोध्या से होते हुए जाती है और जो सरयू नदी है उसका जल चढ़ाया नहीं जाता है आपके पूजा पाठ में, क्योंकि यहाँ पे जो येलो येलो आप देख रहे होंगे पार्ट, वो यहाँ पे आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, आपने स्नान किया और यहाँ पे आप ओनली महिलाओं के लिए। इस सरयू नदी को श्राप मिला है क्योंकि यहाँ पे राम जी ने अपनी समाधि ले ली थी तो शिव जी गुस्सा होके उनको श्राप दे दिए थे सरयू नदी को, कि यहाँ पे कोई भी अगर स्नान करेगा तो उसको उसका पाप नहीं धुलेगा और कोई भी पूजा पाठ में इस नदी का जल नहीं चढ़ाया जाएगा। तो सरयू नाराज होके चली गई शिव जी के पास ये पूछने कि इसमें सरयू की तो कोई गलती नहीं थी। और तब ये सुन के शिव जी ने बोला कि तुम्हारा मैं पाप तो खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार वरदान दे दिया तो वो नहीं जाएगा, और लेकिन ये बात है कि थोड़ा कम हो सकता है पाप, तो जो भी नहाएगा इसमें, जो भी स्नान करेगा उसका पाप धुल जाएगा, लेकिन इसका जो जल है वो आप कोई पूजा पाठ में नहीं यूज कर सकते हैं। राम जी समाधि लेने के बाद वैकुंठ गए थे और सबसे पहले आपको हनुमान गढ़ी के दर्शन करने हैं, फिर आपको जाना है सरयू नदी के दर्शन करने, वहाँ पे स्नान करना है। ये सरयू नदी जो है 60 किलोमीटर की लंबाई से है और आगे जाके 60 किलोमीटर के आगे जाके ये घाघरा में बदल जाती है। ये गोंडा से अयोध्या तक फैली हुई है, गोंडा से ये निकलती है और अयोध्या तक है सरयू नदी। ये कुछ मेरे घर वाले हैं जिन्होंने स्नान किया था सरयू नदी में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। अयोध्या में मैं आगे भी घूमते रहूँगी और उसके वीडियोस बनाती रहूँगी। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने ताजमहल का और प्रेम मंदिर का ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है तो उसे आप देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये सेंड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।